And when I say listening, understanding, speaking, rectification, it doesn't mean that I am against reading or writing. Reading is also a kind of listening. It's just that you are listening it inside. नहीं समझे बात. Reading is also a kind of. It's just that you are listening it inside. अभी समझे? क्या समझे? छोड़ दो तुम ये बोल रही. You are reading inside the brain. Means inside the brain, not by speaking the mouth. रीडिंग में भी तो लिसनिंग हो रही है. When you are reading something, you are listening it. Point is, problem is that you don't know what you are reading is whether you are reading it correctly or not. If you are reading it incorrectly, with mistakes, incorrect pronunciation, so that listening is not helpful. Now you are listening to somebody in your class, that is also helpful. But if he is speaking in an incorrect manner, don't you think it would affect your communication? In rather, whatever communication flaws what we are having in our communication, whatever pronunciation errors we are having in our pronunciation, probably most of it we have got from others, from outside sources, from other sources. Where are you going? Somebody you have listened saying where. तो तुम्हारा भी धीरे से क्या हो गया? अरे मेरा खराब हो जाता है इंग्लिश तुम लोगों के बीच में कई बार. सही बता रहे हैं. एक मेरे शिक्षक थे, वो मुझे अकाउंट्स पढ़ाते थे जब मैं तुम लोग से जूनियर था, ट्वेल्थ में था, जब इलेवन ट्वेल्थ में था, टेंथ में इन फादर. तो वो बोलते थे, हमको जी लगा के बोलते थे, बड़ा मुझे उनका इस चीज़ का मैं सम्मान करूँगा. अब जरूरत तो नहीं थी उस चीज़ की, वो तो मुझे बड़े आराम से नीरज बुलाते, लेकिन वो मुझे हमेशा नीरज जी बोलते थे. उमा शंकर जी नाम था उनका, पटना सिटी में शिक्षक थे कॉमर्स के. उन्होंने, नीरज जी मेरा आज बड़ा इंसल्टी हो गया. तो वो हमेशा इंसल्टी वर्ड कई बार बोलते थे. अब इंसल्टी ऐसा कोई वर्ड, द वर्ड इज इंसल्ट, लेकिन उन्होंने बोला इंसल्टी हो गया. तो एक बार मेरे मुंह से निकल गया इंसल्टी. देयर इज नो सच वर्ड कॉल इंसल्टी. मतलब ये हमारी इनोवेशन है कि हम इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स बना लेते हैं. तो ये हम लोग वातावरण से अशुद्धियों को भी ग्रहण. इट्स लाइक ए कंप्यूटर कैचिंग ए वायरस फ्रॉम अदर फाइल. व्हाट हैपेंस दैट व्हेन यू आर लिसनिंग, यू लिसन इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट यू कीप ऑन कैचिंग इनकरेक्ट, लाइक यू से कॉमन एरर्स. व्हाई दोज एरर्स आर कॉमन? बिकॉज दोज एरर्स आर कॉमनली पीपल आर कंडक्टिंग दोज एरर्स इन, कि आज बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया, एकदम से ब्लंडर मिस्टेक हो गया. अब ये सुना है कि नहीं सुना इस तरह से? हाँ. अब ये क्या है, ब्लंडर का मतलब ही है बहुत बड़ी गलती, और मिस्टेक का मतलब है, तो ब्लंडर मिस्टेक सेंटेंस सही होगा क्या? तो आप रिपीट कर दे रहे हो, ब्लंडर का मतलब है बहुत बड़ी गलती, और मिस्टेक का मतलब है गलती, यानी बहुत बड़ी गलती गलती हो गई. ऐसे तो ना बोलेंगे है? तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं क्योंकि हम लोग ऐसा सुने हैं. दीज आर ऑल कॉमन एरर्स. तो हम लोगों को कॉमन एरर्स से भी अवॉइड करना है. तो इसलिए व्हेन आई से लिसनिंग, माई प्राइमरी फोकस इज ऑन गुड लिसनिंग. लिसनिंग की क्वालिटी कैसी है, ये ऐसा ही है कि हमने बात करी थी कि टंकी में क्या है, पानी कम है, तो टंकी को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा. फिर मैंने कहा कि जितना पानी है अभी उतना भी हम लोग नल में खोल, उतना भी नल खोल नहीं रहे, तो दिक्कत पानी का नहीं है, दिक्कत नल के नहीं खोलने का है. दूसरा क्या था बात, कि नल अगर खोलेंगे तो क्या होगा, पानी कैसा आएगा, गंदा आएगा. लेकिन अगर लगातार खोले रखेंगे, लगातार नल को चलने देंगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे साफ पानी आ जाएगा. और अगर टंकी का पानी गंदा है और नल भी बंद रखेंगे, तो क्या टंकी का पानी कभी साफ हो सकता है? टंकी का पानी साफ करने का उपाय क्या होगा? नल को खुला छोड़ना होगा. और सिर्फ खुला छोड़ने से काम चलेगा कि कुछ टंकी में नया पानी भी, तो नया पानी कैसे आएगा? लिसनिंग से. समझ गए तुम लोग बात को? कोई नहीं बोला कि सर मोटर चलाना होगा, पानी भरना होगा, सब बोला लिसनिंग से. यानी तुम लोग को मेरी बात समझ में आती है, मेरा लैंग्वेज समझ में आता है. गुड, वेरी गुड. अभी होता क्या है, सब लोग, जब मैंने क्या बोला
कि सब लोग नल को खुला छोड़ दो। खुला छोड़ने पे क्या आएगा? साफ पानी तो नहीं आएगा। अरे सब खुला छोड़ दिए, सब गंदा गलत कर रहे हैं, अब होगा क्या? इसका गलती उधर, उधर से गलती इधर, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा कि पूरा चारों तरफ गलतियां, और मतलब ये प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ एंटीवायरस भी तैयार करने पड़ेंगे। अगर वायरस ट्रांसफर हो रहा है तो आपको क्या चाहिए? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस कौन होगा? टीचर? नो। क्या? ब्रेन? नहीं, जो कोई भी जानते हुए गलती करता है क्या कि चलो आज खूब गलत बोलेंगे? वो अनजाने में गलती करता है, वो उसके मुंह से गलत निकल रहा है, वो बिना जाने हुए गलती वैसा बोल रहा होता है, ठीक है। जानबूझ के गलती कोई नहीं करता है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करेगा? एंटीवायरस कौन होगा? खुद? खुद कैसे होगा? खुद तो जान ही नहीं रहा है। अगर जानते, बताओ तुम लोग जो इंग्लिश बोलते हो, गलती करते हो कि नहीं करते हो? जान के करते हो कि आज सर इसमें 5 गलती किए हम? ऐसा कोई जान के तो नहीं करता है। हाँ, यस। इट्स नॉट जस्ट द वर्ड, इट कैन बी द सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर, इट कैन बी हाउ यू आर फॉर्मिंग योर, फ्रेमिंग योर सेंटेंस, ओके, यूजिंग द राइट प्रीपोजिशन, यूजिंग द राइट कंजक्शन। You're getting a point. Any of these kind of mistake, and it's not important to know that it galti kis cheez ki hai, galti preposition ki hai ki conjunction ki hai ki galti modal verb ki hai, ye aapko janne ki zarurat nahi hai. Bas galti kya hai iske jagah par ye hona chahiye. Let's make it simple. Samajh rahe ho? Bilkul tumne bahut sahi kaha. Samne wala, sunne wala, chahe jisko bol rahe ho, jo sun raha ho, अगल बगल में इस क्लासरूम के अंदर में खूब सारे एंटीवायरस होने चाहिए। सबके अंदर में वायरस है और सबके अंदर में एक एंटीवायरस भी है। तुमको मैं, तुम मेरी गलती ठीक करो, मैं तुम्हारी गलती ठीक करूंगा। अभी होता क्या है, ये सुनने में बड़ा सरल लगता है लेकिन ये प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जब भी कोई तुम्हारी गलती सुधारता है तुमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, इंसल्टी हो जाता है। हाँ, इंसल्ट हो जाता है, ठीक है, सुधार दिए तुम लोग हमको। तो किसी को भी पसंद नहीं आता है कि कोई उसकी गलती सुधारे। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और सभी लोगों के अंदर ईगो है। हाँ, किसी किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा है। तो अभी क्या लगता है कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? और फिर अगर गलती ज़्यादा मत समझा हमको, छोड़ दो, रखो अपने पास अपना ज्ञान, हमको आता है, बताने का जरूरत नहीं है, जाओ आगे से बोलवे ना करेंगे, अपना अंग्रेजी अपने पास रखो, मेरा हो गया काम, मेरे बाबूजी मुखिया हैं, हाँ, मुखिया पति, मुखिया पुत्र क्या होते हैं? तो ये ईगो है, इस ईगो को तुमको यहाँ क्लासरूम में क्या करना होगा, बिल्कुल साइड करना होगा। ईच ऑफ, बैठ जाओ, टेक अ सीट, ईच वन ऑफ यू इज इक्वल ओवर हियर एंड ईच वन ऑफ यू इज हैविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल्टर ईच अदर्स प्योर वाटर। जो नल से पानी आ रहा है वो क्या आएगा? फिल्टर कौन लगाएगा? खुद से लगा सकता है? नहीं, किसी दूसरे को। तुम अपना फिल्टर उसको लगाओ, वो अपना फिल्टर तुम्हारे को लगाएगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन।